गाइस, मेरा नाम निशु और आप देख रहे हैं स्टूडियो फॉर यू। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि फेसबुक ऐड को कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में लगाएंगे, फेसबुक बैनर ऐड और इंटरटेरियल ऐड को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एड आईडी क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम अपने बिजनेस अकाउंट पर क्लिक करेंगे। फेसबुक का जो बिजनेस अकाउंट है उसका से लॉग इन करेंगे। आप लोग मेरे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए मैंने ऑलरेडी इतना ऐड किया, तो मैं न्यू ऐड करने वाला हूँ जिस ऐप को। यहाँ पे करेंगे क्रिएट प्रॉपर्टी, उसके बाद यहाँ पे नाम देंगे प्रॉपर्टी का। तो मैं करने वाला हूँ टेक्स्ट टू स्पीच का। आप अपने एप्लीकेशन का नाम दे दीजिएगा, मैंने तो इसको स्क्रिप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है, वेट करते हैं। और मैं यहाँ पे चूज करना है कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो मेरा एंड्रॉयड का है, तो एंड्रॉयड सेलेक्ट करता हूँ। आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अभी चूंकि मैंने ऐड तो लगाया है, ऐड एफबी का नहीं लगाया, लेकिन प्ले स्टोर पर ऑलरेडी लाइव है, तो मैं इसे ऐप इज नॉट लाइव पे क्लिक कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। कभी हमें नहीं लगाना है, क्योंकि हम जब ऐड लगा लेंगे उसके बाद ये लास्ट में सबमिट करेंगे, उसके पहले हम सारा काम कर लेते थे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जब हमारा ऐड आ जाएगा तब यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पैकेज नेम देना होगा, ये सर्च कर लेगा ऑटोमेटिक। चलिए कहते हैं क्रिएट योर फर्स्ट प्लेसमेंट, तो मैं बैनर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। उसके आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं या फिर छोड़ दे सकते हैं। मैं छोड़ देता हूँ या फिर लिख देता हूँ कुछ भी, WNER बैनर क्रिएट प्लेसमेंट, कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया है, ये प्लेसमेंट आईडी है, हमें यही कॉपी करना है हमारे ऐड के लिए और कुछ नहीं है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये सारा हो गया, सेटिंग हमारा पहले से ही सेट है, तो हम इसे कॉपी करते हैं और अपने नोटपैड में आप कहीं भी सेव करके रख लें। ये कर दिया मैंने। चलिए हम दो ऐड, एक ऐड और क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से अब कुछ नहीं करना, हमको सीधे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। ऊपर आके यहाँ देखिए टेक्स्ट टू स्पीच आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप बाई एडी स्पेस, इसमें इस पर कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे हमारा बैनर, यहाँ पर हम इसे रिनेम कर देते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं आपकी मर्जी। मैं इसे रिनेम कर देता हूँ, ओनली बैनर ऐड करता हूँ, क्योंकि हमारे इस एप्लीकेशन में ओनली टू ऐड रहेंगे, इसलिए हम इसे रिनेम कर देते हैं और सेव कर देते हैं यहाँ पे। फिर एक हो गया, यहाँ पे एक न्यू क्रिएट करेंगे। सॉरी गाइस, एक बार पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्रिएट प्लेसमेंट, उसके बाद से मैं इंटरटेशियल देता हूँ यहाँ पे, इसे कॉपी कर लेता हूँ, नाम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी गाइस, ये थोड़ा साइज प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे इंटरटेशियल नाम देता हूँ। उसके बाद से इंटरटेशियल सेट करता हूँ और देन यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं, फिर ऑप्शन छोड़ भी सकते हैं। मैं छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करना, बस क्रिएट प्लेसमेंट पर करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोड आ गया, कॉपी आईडी करेंगे, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इसके नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा बैनर का है, WNER, ये हमारा इंटरटेरियल का। अब यहाँ कुछ नहीं करना, इसे सीधे क्लोज करते हैं, या फिर चलिए हम डॉक्यूमेंट भी इसका देख लेते हैं। इंटीग्रेशन पे जाके SDK, एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी हुआ है, चलिए हम डायरेक्ट करते हैं।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ओपन हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जाना है बिल्ड डॉट ग्रेडल जो कि मॉड्यूल ऐप है, मॉड्यूल ऐप में करना है हमें। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम जो कॉपी किए थे कोड यहाँ पे आएंगे और इस वाले को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे हम एंटर करते हैं, कमेंट दे देते हैं एफ पी एट। उसको बाद से टाइप करेंगे कोड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए ऑटोमेटिक ले नहीं रहा क्योंकि मेरा सिस्टम लोड ले रहा है, नहीं तो ऑटोमेटिक आ जाता है। चूँकि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ इसलिए जितना लोड ले रहा है, तो पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं रिसाइकल भी हमारे में है कि नहीं। तो देखिए रिसाइकल भी नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं दूसरे का यूज़ भी कर लेता हूँ बट आपके लिए मैं इसी का यूज़ करूँगा। कंट्रोल सी यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और आप कहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा हूँ इसलिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सपोर्ट, सारा सपोर्ट है, रिसाइकल भी है, यहाँ पे सेवन भी सेवन है। उसके बाद से यहाँ देखिए 28 है, 23 भी, 28 भी सेम होना चाहिए, ये सारा सेम होना चाहिए नहीं तो एरर देगा था। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, वर्जन प्रॉब्लम का एरर नहीं देगा तब। देखिए ये सारा सेम हो गया। अब चूंकि मैं इस एप्लीकेशन को अपडेट करने वाला हूँ तो इसलिए इसका वर्जन कोड, चलिए ऑलरेडी मैंने वर्जन कोड चेंज किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंक कर देंगे। वेट करते हैं तब तक, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और बेल बटन को प्रेस करो ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी की वीडियो ही मिलेंगी, थोड़े गेम्स के मिल सकते हैं क्योंकि इंजॉय थोड़ा करना चाहिए, इसलिए मैं गेम खेलता हूँ तो उसको लाइक कर लेता हूँ ताकि सबको इंजॉय मिले। और आप मेरे वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी वेबसाइट को मैंने पूरा एडिट नहीं किया है, समझिए एडिट वेबसाइट बनाया नहीं, बस डोमेन नेम परचेज कर लिया है, अभी कुछ डाला नहीं है। बट आप एक्सेस करके देख सकते हैं क्या क्या है, बहुत जल्दी उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन बना चुके हैं, आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, मेरे प्ले स्टोर का पेज का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ पर मेरे सारे एप्लीकेशन आपको शो करेंगे। आप यूज करके देखिए, अपना रिव्यू जरूर दीजिए वहाँ पे, और देना तो यार प्लीज पॉजिटिव रिव्यू देना, नेगेटिव मत देना। आप लोगों को अच्छा लगता है तब भी रिव्यू नहीं देते हैं, नहीं लगता तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बहुत लोग हैं अच्छा लगे या ना लगे नेगेटिव जरूर देंगे, यार किसी का सही नहीं कर सकते तो बुरा क्यों करते हैं। देखिए डाउनलोड कर रहा है फेसबुक से, उसका एस डी के फाइल है, देखिए यहाँ पे सारा डाउनलोड हो रहा है, हो जाने दीजिए, तब तक वेट करते हैं। और गाइस मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि ये चेंज नहीं होगा कोड, जब आप एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तभी आप एड आई डी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी ये भी बना चुका है, ये आप चाहेंगे तो एड शो करेगा ऑनलाइन ही, आप चूज ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, एड आई डी चेंज कर सकते हैं, गूगल का एड शो करवा सकते हैं या फिर फेसबुक का या फिर दोनों का। इस चीज़ को यदि आपको चाहिए अपने एप्लीकेशन में लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और उसके चार्जेस तो होंगे ही समझ सकते हैं, फ्री में कोई करने वाला नहीं इतना परिश्रम, क्योंकि मैंने वो परिश्रम किया तभी मेथड हमारा यूज किया, बहुत ज़्यादा एक कोड आजमाने के बाद से हमारा यूज किया है, काम किया है। चलिए इसको क्लोज करते हैं, हमारा हो गया। अब हम वहाँ पे चलते हैं उस एग्जाम्पल फाइल में जहाँ हमको बैनर एड शो करना है, तो मैं लेआउट में चलता हूँ और यहाँ पे मेरा content.main.xml है, इसको ओपन करता हूँ। मुझे सिर्फ इसी के नीचे शो करवाना है या फिर कॉन्टेक्ट को छोड़ देते हैं, बस मेन वाले में ही रहने देते हैं। आप इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा है, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट
दोनों का इसमें फंक्शन डाला है मैंने, पहले सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच था, बट इस अपडेट में मैंने डाल दिया है स्पीच टू टेक्स्ट, जो कि बेहतरीन फीचर है, आप यूज करके देख सकते हैं। और एक मैंने एप्लीकेशन बनाया डायरेक्ट टू चैट, जैसे किसी को आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे बिना उसका नंबर सेव किए हुए, आप यूज करके देखिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं लोग चाहते हैं नंबर ना सेव करें, बस मैसेज कर दें किसी को पता नहीं चले, उसके लिए वो यूज करेगा। चलिए यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है, हम इसको सबसे लास्ट में नीचे आते हैं, और मैं जो एक्सएमएल का कोड कॉपी किया था ये वाला लीनियर लेआउट, इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे आते हैं नीचे, कंट्रोल भी करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पे आ गया ना एकदम नीचे, देखिए बैरेंडा बॉटम, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए हम चूँकि मैं एक भी लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आईडी या फिर चलिए हम लगा देते हैं एमबी बैनर, एमबी अंडरस्कोर बी ए डब्ल्यू एन ई आर बैनर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको हम आईडी को कॉपी करेंगे या फिर छोड़ते हैं इसको भी, इस फाइल को ही हम क्लोज कर देते हैं, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हम चलते हैं जावा फाइल में, तो इसका मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अब यहाँ पे देखिए हमने जो कॉपी किया था प्राइवेट एडमी वेडमी कॉपी किया मैंने, और सबसे टॉप पे आएंगे मेन एक्टिविटी इंटेंट और ऑन क्रिएट के ऊपर, आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ एपी एड, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अभी ये एरर शो करेगा। अब यहाँ पे मैं माउस का एरो ले जाके अल्ट और एंटर करता हूँ, इंपोर्ट क्लास का आता है, इंपोर्ट क्लास करता हूँ। देखिए मैंने इंपोर्ट क्लास किया, तो यहाँ पे इंपोर्ट में आपको जो वहाँ कॉपी करने के लिए बोल रहा था आ गया होगा, देखिए com.facebook.add.adview, इसको मैं चलिए फिर से हम यहाँ पे जो सेकंड वाला कॉपी किया था मैंने एडव्यू इनिशियलाइज्ड कर रहा है, तो ये हमें कॉपी करना है कंट्रोल सी, और ऑन क्रिएट के अंदर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, आप देख लीजिएगा। मतलब ऐसा मत कीजिए कि ये क्रैश कर जाए, इतना तो आपको पता है कहाँ पे करें तो क्रैश नहीं करेगा। मैं चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप देखिए एड साइज है, यहाँ पे माउस एरो ले जाके अल्ट एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दिया योर प्लेसमेंट आईडी, तो जो मैंने आईडी कॉपी की थी बैनर एड की, इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट कोड करते हैं, हमने कॉपी किया था ये हो गया हमारा, ये वाला कॉपी करना है हमें, ये करना है, कंट्रोल सी किया मैंने, और जस्ट इसी के नीचे आप पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है ना, अभी देखते हैं बाद में। हाँ देखिए मैंने एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे, इसलिए एरर दे रहा था। मैं कमेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कमेंट लिखेंगे तो क्या फाइल लिखते रह जाएंगे, आपको बस समझाना है मुझे। देखिए यहाँ पे एरर समाप्त हो गया, यहाँ मैंने आईडी चेंज करी थी, हमने लिखा था एबी बैनर, एबी बैनर आ गया मैम, देखिए सारा सही हो गया। हमने अब लास्ट कोड हमारा बचा ये वाला, मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दिया, ये हम हटा देते हैं। ये हमारा हो गया, इतना आपका पूरा का पूरा एबी का एड हो गया, जो कि बैनर एड अब शो करेगा। तो मेरा सिस्टम फास्ट तो इतना है नहीं, बट आपको कोशिश करना चाहिए, हम लास्ट वाला भी इसको कर देते हैं, ये आप सबसे लास्ट में नीचे आप पेस्ट कर दीजिए इस कोड को, ताकि ऐप का एप्लीकेशन क्लोज होने के टाइम या फिर क्रैश ना करे। ऐड कर इसे, देखिए सॉरी गाइस इसमें कुछ दे रहा है ऑलरेडी डिफाइन, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे डिफाइन है, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड, तो वहीं पे इसको कंट्रोल सी करता हूँ और इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, कहीं ना कहीं थोगा ऑन डिस्ट्रॉय मेथड, देखते हैं ऑन डिस्ट्रॉय, देखिए यहाँ पे है, मैं इसके नीचे अपना इस कोड को भी पेस्ट कर देता हूँ, इफ एडव्यू नॉट इक्वल टू नन देन एडव्यू डॉट डिस्ट्रॉय, यहाँ पे हो गया। अब हम चलिए रन करा के देखते हैं ये ऐड शो होता है कि नहीं, मैं अपने मोबाइल को प्लग करता हूँ और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ अपने मोबाइल में, और देखते हैं ऐड शो होता है कि नहीं होता है।
यहाँ पे हम ओके करेंगे। वेट करते हैं तब तक, इंस्टॉल में दीजिए। चलिए देखिए इंस्टॉल हो रहा है, वेट करते हैं तब तक और देखते हैं हमारा ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चूंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट ऐड नहीं लगाया, इसमें टेस्ट ऐड नहीं होता है। आप इसके कुछ जो हमने प्लेसमेंट आईडी दी हुई है, चलिए बाद में बताते हैं, ओपन हो रहा है देख लेते हैं पहले। देखिए हमारा ओपन हो गया है, कुछ टाइम वेट करते हैं। तो देखिए जैसा कि नीचे हमारा शो हो गया इंटर बैनर ऐड, देखिए यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। चलिए हम फिर से अगेन हम अपने पीसी पे चलते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसमें जो टेस्ट ऐड होता है वो नहीं होता है, ये हमारा लाइव ऐड शो कर रहा है, बट हमें रिवेन्यू नहीं मिलेगा जब तक कि मैं इसे वेरीफाई नहीं करवाऊंगा प्ले स्टोर से। यदि आपको टेस्ट ऐड शो करवाना है तो आपको इसी कोड में आगे कुछ कोड लिखना होता है इसके आगे यहाँ, तभी टेस्ट ऐड शो करता है। चलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप देख लीजिएगा या फिर बोलेंगे तो मैं कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। चलिए हम बैनर ऐड तो मेरा हो गया, इंटरटेशियल पे चलते हैं। इंटरटेशियल के मैं इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और जस्ट इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे जाते हैं और एंटर करते हैं, इंपोर्ट पास करते हैं, देन अगेन से कैंडिडेट कॉपी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और देखिए मैं पहले इसे कॉपी कर सॉरी गाइस इसे कॉपी किया मैंने और जस्ट इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। या फिर हाँ सही है, और यहाँ पे देखिए अब हमें इसे या फिर एक क्लास से क्या कहते हैं फंक्शन ना उसके अंदर डालें, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे इससे छोड़ा लूँ या फिर डायरेक्ट रहने देता हूँ। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम पेस्ट कर देते हैं। तो पहले हम अपना यू प्लेसमेंट आई डी हम पेस्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किए थे इंटरटेशियल का, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इस कोड को कॉपी करता हूँ पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का, ये आपका लिस्नर हम चेक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे आके हम कंट्रोल कर देंगे। देखिए हमारे कितने ज़्यादा एरर शो कर रहे हैं, तो हम इसको हटाना है, बस जाते जाइए वहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट पास करते जाइए अल्ट एंटर प्रेस करके। मैं लॉक फाइल को हटा दूंगा, मैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए एक स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। चलिए हम इस स्ट्रिंग को भी लगा लेते हैं जस्ट नीचे इसके कंट्रोल की कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं ये वाला इफ वाला इतना काफी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और लास्ट में हम आते हैं कंट्रोल वी, हमारा ऑन डिस्ट्रॉय कहाँ था। ऑन डिस्ट्रॉय इसके नीचे जस्ट पेस्ट कर देते हैं, चलिए हम देख लेते हैं क्यों एरर दे रहा है। सॉरी गाइस आ गया, मेरा कंप्यूटर हैंग कर गया था इसलिए वेट करना पड़ा। चलिए हमें यहाँ पे कुछ हमें और ऐड करना है, हम चलते हैं मैनिफेस्ट फाइल में क्लिक करते हैं और लास्ट में आके पेस्ट कर देते हैं, कोड आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सॉरी गाइस देखिए हमने गलत जगह पेस्ट कर दिया इसलिए एरर आ रहा था, ये हमें थोड़ा नीचे हमने कर दिया एप्लीकेशन के अंदर होगा। मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया है,
यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, देखिए हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एरर अभी क्या शो कर रहा है, एरर हमारा ऊपर ही है ये वाला, इसमें प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। अभी भी हमारा नहीं आया, क्यों नहीं आया, हमने इसको रिफ्रेश किया है तब क्यों नहीं आया। देखिए गाइस हमने जो कॉपी किया था वो पुराना था, ये न्यू वर्जन ये वाला है, यहाँ पे एसटीके भी आएगा 1.0। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे सही हो जाएगा सारा। तब इसी रूट में ही परेशान थे मैं आपको, ये आप कहीं से भी कॉपी मत कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन से कॉपी कीजिए, फिर मेरे वेबसाइट से, वहाँ पे 100% प्योर कोड डालो एकदम प्योर। देखिए हो गया, और हमारा एरर देखते हैं कि आया या नहीं आया। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ, और यहाँ पे है, अब हम यहाँ पे करेंगे अल्ट एंटर। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट क्लास आ गया, हमारा वही प्रॉब्लम था। या गुड जॉब, हमारा सारा इंटीग्रेशन हो गया है। और हम थोड़ा डिज़ाइन को भी देख लें, तो छोड़िए डिज़ाइन, डायरेक्ट हम इंस्टॉल करेंगे। मेरा कंप्यूटर लूट ले रहा है, मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि बैनर और क्या कहते हैं, बैनर और इंटरटेशियल दोनों शो हो रहा है। उसका से इस वीडियो में एंड करता हूँ, नहीं तो मेरा लैपटॉप कोडिंग करने लायक नहीं, चलाने लायक ही नहीं रह जाएगा। इस बंदे में दम ही नहीं, इस बंदे को मैं इतना मजबूर करके चला रहा हूँ तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। आपके पास पावर ना हो तभी आपको काम दिया जाए, तब कैसे करेंगे, बस किसी तरह से करेंगे, कब चले जाएंगे गारंटी नहीं होती है। यही हाल मेरे लैपटॉप का है। और उसके बाद जब वीडियो एडिट करता तो उसको 10 मिनट में बदल देता। देखिए हमारा स्टार्ट हो गया है, अब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, इंडेक्सिंग हो रहा है, चलिए इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया, वेट करते हैं। तो भाई देखिए हम ये हमारा इंस्टॉल हो गया, वो ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा ऐड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेट करते हैं। देखिए हमारा बैनर ऐड शो हो गया फुल स्क्रीन पे दोनों साइड में, और वेट करते हैं इंटरटेशियल का, उस टाइम क्योंकि इंटरटेशियल डाउनलोड होता है फिर शो होता है। देखिए हमारा इंटरनेट स्पीड ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इंटरटेशियल डाउनलोड हो रहा है। तब तक हम इसको यूज करके देख लेते हैं। देखिए हमारा इंटरटेशियल शो हो गया फुल स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि ये हट जाए, हट गया। चलिए हम इसको यूज करके देखते हैं कैसा है। हाय गाइस, बोला नहीं यार, लग रहा है साइलेंट हो, हटा लेते हैं साइलेंट। हाय, देखिए आप स्पीड बढ़ा रहा है, हाय आवाज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच पे, तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, थैंक्स। सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम, एक बार और ट्राई करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, देखिए हो गया है ऐसा ना, एंड लाइक, देखते हैं कैसे काम करता है। थोड़ा इंटरनेट देखिए, मेरा इंटरनेट साफ ही ख़त्म हो गया, विदाउट इंटरनेट नहीं चलता ये, क्योंकि गूगल से डायरेक्ट कनेक्ट है टेक्स्ट टू स्पीच वाला, तो इसके लिए इंटरनेट चाहिए। या फिर लग रहा है कोई ना कोई तो कॉल कर रहा है। गाइस क्या काम सर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। तो देखिए यहाँ पे आ गया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर, इसके बाद से कट गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था मेरे मोबाइल से। तो यहाँ पे आप ये टेक्स्ट आप सेव भी कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं,
इसका यूज आप कर सकते हैं, जैसे नोट्स बना रहे हैं आप टाइप नहीं करना चाहते, बोलिए हाँ टाइप हो जाएगा, शेयर कीजिए और ईमेल कर लीजिए या फिर अपने नोट्स में सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप किसी में यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स ऐसे लगाते हैं इंटरटेशियल फेसबुक का और बैनर है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे होगा ये, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सेव डॉट सेव लाइफ।